आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी पे। मैं हूं वकार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक समझने वाले हैं कि पाइरिमिडिन के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो बहुत इजी है, आप लोग पहले भी देखे होंगे। जैसे पाइरिमिडिन में तीन बेस पेयर्स आते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो थाइमीन और साइटोसिन और यूरासिल। यूरासिल बेसिकली हम लोगों को कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। बाकी साइटोसिन साइटोसिन थाइमीन हमें डीएनए में पाया जाता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। जैसे थाइमीन, थाइमीन का देखें क्या कहते हैं, 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine। तो आप देख सकते हैं 5-methyl, आप यहाँ स्ट्रक्चर जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ना। पाइरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, वहीं प्यूरीन जो होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब आप नाम से ही आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 5-methyl, 5th पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करना है, 2 और 4 पे डाई ऑक्सी पाइरिमिडिन, 2 पे भी ऑक्सीजन है और 4 पे भी ऑक्सीजन है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो देखिए ये बन गया हमें थाइमीन का स्ट्रक्चर बन गया। वहीं हम बात करें साइटोसिन का, तो साइटोसिन का नेम क्या है, 2-oxy-4-immunopyrimidine। पाइरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बना लिए। सेकेंड पोजिशन पे हम ऑक्सीजन लगा दिए, वहीं फोर्थ पोजिशन पे हम आपको इम्यूनो ग्रुप लगा दिए। तो ये हो गया 2-oxy-4-immunopyrimidine। वहीं यूरासिल की बात करें जो कि स्पेशली आरएनए में पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, थाइमीन और यूरासिल में बस एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप होता है वो अब्सेंट होता है यूरासिल में। तो वहीं आप देखिए बाकी 2-4-dioxypyrimidine, तो 2 और 4 पे ऑक्सीजन का ग्रुप लगा है, तो ये यूरासिल का स्ट्रक्चर हो गया। तो प्यूरीन, प्यूरीन के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि इसके केमिकल नेम ही आप देख रहे होंगे, प्यूरीन में 2 नाइट्रोजन बेस आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एडेनिन का केमिकल नेम होता है 6-एम्यूनोप्यूरीन। प्यूरीन जो होते हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आप देखिए 6-एम्यूनो मीन्स 6th पोजीशन पे इमीनो ग्रुप आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6th पोजीशन पे इमीनो ग्रुप ऐड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैसे ही ग्वानीन को देखें तो ग्वानीन का जो केमिकल नेम होता है वो 6-oxy-2-aminopurine, मींस 6 पे ऑक्सीजन ग्रुप ऐड होगा और सेकेंड पोजीशन पे आपको एमाइनो ग्रुप ऐड होगा। तो ऐसे ही आप एडेनिन का और ग्वानीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये दोनों आपको कॉमन रहता है, डीएनए और आरएनए दोनों में सेम पाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।